मॉर्निंग गाइस। तो हमारा नेक्स्ट जो हमारा मिनरल है वो है हमारा गगन, जिसको प्लांट क्या है गगन 2+ के रूप में ऑब्जॉर्व करते हैं। और अगर हम प्लांट बॉडी में इसकी मात्रा को देखें तो वो है हमारी 3 से 150 ppm। क्योंकि अब जो हम जितने भी एलिमेंट्स की या हम जितने भी मिनरल्स की बात करने वाले हैं, अगर वो थोड़ी सी ज़्यादा क्वान्टिटी में हो जाए तो क्या प्लांट के लिए टॉक्सिक बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं, इसके फंक्शंस लेके चलें। तो देखिए फंक्शंस की अगर बात करें तो सबसे पहले की क्या है, क्लोरोफिल और आरएनए सिंथेसिस। ये क्या है, हेल्प करता है। ठीक है, क्लोरोफिल सिंथेसिस और आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म में भी क्या है, हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो जिंक है, ये हमारे जो एक्टिवेटर के रूप में भी काम करता है। जैसे हम बात करें एडोलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इन एंजाइम्स के लिए ही क्या है, ये एक्टिवेटर के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा हम बात करें कि ट्रिप्टोफैन हमारा होता है, सिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये सबसे पहले बड़ी बात, ये एपिकल डोर्मेंसी के लिए ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। एपिकल डोर्मेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तो हो गए इसके फंक्शन की, ये आरएनए सिंथेसिस, क्लोरोफिल सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है, ये ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा हम बात करें कि एपिकल डोर्मेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और एंजाइम का एक्टिवेशन करता है। नेक्स्ट हम लेके चलें तो इसके आ जाते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो देखिए डेफिशिएंसी सिम्टम्स की हम बात करें तो सबसे पहली बात कि अगर जिंक कम हो जाएगा तो इंटरवेनिएशन क्लोरोसिस आ जाएगी। ठीक है, लीफ पर क्या होंगे, ये वाइट कलर के पैचेस बनने लग जाएंगे। ठीक है, पहले क्या है, इंटरवेनिएशन क्लोरोसिस हो जाएगी। ठीक है, प्लांट में क्या है, इंटरवेनिएशन क्लोरोसिस। इसके अलावा क्या है, व्हाइट कलर के पैचेस बनने लग जाएंगे। व्हाइट कलर के क्या है, पैचेस बनने लग जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें तो जो प्लांट में है लिटिल लीफ डिजीज आ जाएगी, जिसमें क्या है, पत्तियों की ग्रोथ नहीं हो पाती है, पत्तियां छोटी छोटी रह जाती हैं। क्या है, लिटिल लीफ डिजीज हो जाएगी प्लांट में, जिसमें क्या है, लीफ की क्या है, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, लीफ अंडरग्रोथ हो जाएंगी, लीफ छोटी छोटी रह जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेज में, ठीक है, मेज की हम बात कर रहे हैं, मेज में वाइट बड डिजीज हो जाती है, जिसमें क्या है, जिसकी वजह से जो हमारे मेज के प्लांट में फ्लावर्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है।
ठीक है, क्या भी वाइट बड डिजीज हो जाएगी मेज में, जिसमें क्या है फ्लावर एंड फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, फ्लावर और फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसके अलावा हम अगर हम एक्यूट डेफिशिएंसी की बात करें तो लीफ लैगरिंग हो जाएगी, क्लोरोसिस आ जाएगी पूरी लीफ में, और जो हमारा प्लांट है वो स्टंट रह जाएगा, छोटा रह जाएगा, उसमें ग्रोथ वगैरह नहीं होगी, ठीक है। लेफ्ट लीफ क्या है लैगरी हो जाएगी और प्लांट क्या है स्टंट हो जाएगा, स्तंभित रह जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स। नेक्स्ट अगर हम इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम ZLSO4 और लाइमस्टोन को मिलाकर क्या है उसको मिट्टी में मिला देंगे, और अगर हम बात करें तो 10 से 30 केजी हमारा होना चाहिए पर हेक्टेयर हमारा ZNSO4 प्लस हमारा लाइमस्टोन यानी हमारा चूना पत्थर सेम क्वांटिटी, इसको क्या है हमें फील्ड में मिक्स करना है, इसका छिड़काव करना है, ठीक है। हमें क्या है इसको सॉइल में मिक्स करना है, तो जिससे क्या है हमारी ZN की कमी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट हम लेके चले तो वो आता है हमारा मॉलिब्डेनम M2। तो इसको क्या है प्लांट MnO4-2 HMnO4- के रूप में क्या है प्लांट अब्सॉर्ब करते हैं। देखिए अब हम जितने भी आगे वाले की बात करने वाले हैं, हम Mn, Cl, Na जितने भी हम आगे मिनरल्स की बात करने वाले हैं, उनके क्या है उनके फीचर्स अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, ठीक है। उन सबके फीचर्स अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, थोड़े थोड़े फीचर्स ही पता है। तो जो हमारा मॉलिब्डेनम है इसका सबसे बड़ा काम होता है एब्सिसिक एसिड की सिंथेसिस में हेल्प करना और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करना, क्योंकि जो मॉलिब्डेनम होता है वो हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन या हम कहें नाइट्रोजनीज एंजाइम और नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम का मेन एलिमेंट होता है। तो इसका सबसे बड़े वाला काम जो मेन फंक्शन कहें तो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अगर इसकी कमी होती है तो सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ता है नाइट्रोजन फिक्सेशन पर और नॉट फॉर्मेशन पर। ठीक है, तो प्लांट क्या है इसे इस रूप में अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसकी भी क्या है इसकी भी क्वांटिटी बहुत कम चाहिए होती है, तो बहुत ही ज्यादा कम, बहुत 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 कम, ठीक है। तो इसे प्लांट इस रूप में अब्सॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, तो फंक्शन देखिए सबसे बड़ा काम क्या है इसका मेन एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज एंड हमारे नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम होते हैं उनका क्या है ये मेन एलिमेंट होता है। नेक्स्ट हम इसकी बात करें तो हमारे
एम्सिसिक एसिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है। थर्ड अब बात करें तो नॉड फॉर्मेशन, जो हमारे लेग्यूम प्लांट्स में नॉड फॉर्मेशन होता है उसमें हेल्प करता है। हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। मेन एलिमेंट होता है नाइट्रोजनेज एंजाइम, नाइट्रोजन रिडक्टेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, एब्सिसिक एसिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है और क्या है, लेग्यूम प्लांट में नॉड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए इसके, ये तो हो गया इसका फंक्शन, तो क्या है इसके फंक्शन पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं है, तो अब हम बात करेंगे इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स। देखिए इसके सबसे पहले जो सिम्टम्स है वो मैच्योर लीफ पर अपेयर होते हैं। अभी किन पर? मैच्योर लीफ पर, ठीक है। लीफ में क्या होगी, क्लोरोसिस हो जाती है, लीफ में क्लोरोसिस हो जाती है, बाद में वो क्या हरी होकर झड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो जब मॉलिब्डेनम की कमी हो जाती है तो प्लांट में है ना फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, लेकिन फ्रूटिंग नहीं हो पाती। जब फ्रूट्स बनने होते हैं तो वो समय से पहले ही झड़ जाते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें तो मॉलिब्डेनम देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता कर रहा है, तो जब ये नहीं होगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा, तो नाइट्रोजन की कमी वाले सारे सिम्टम्स है वो आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा नोड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और हम बात करें तो क्या होगा, जो हमारे ऑट है उसमें हमारे जो ग्रेन्स है ना वो नहीं बनेंगे। तो सबसे पहला तो मैच्योर लीफ में आएगी, तो मैच्योर लीफ में क्या होगी, क्लोरोसिस आ जाएगी। लीफ क्या होगी, येलो कलर की हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें तो ऑट्स में ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो फ्लावरिंग बहुत ज्यादा होगी लेकिन फ्रूटिंग नहीं हो पाएगी। हमारे क्या है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और फ्लावरिंग तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हमारे क्या है फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नॉट फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, नॉट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो ब्रैसिकेसी, ठीक है, ब्रैसिका स्पीसीज हैं उनमें क्या होगा, ट्रांस जो हमारे देखिए
ब्रेसिका, हम पूरी ब्रेसिकेसी फैमिली की बात करें या हम सारी ब्रेसिका स्पीसीज की बात करें, उसमें क्या होगी, हमारे जो वेंस है उनके पास में पैचेस बनने लग जाएंगे, ठीक है। वेंस के आसपास में हमारे ट्रांसलुकेंट पैचेस बनने लग जाएंगे, जिससे नाम दिया गया है हमारा वाइट टेल डिजीज, ठीक है। तो देखिए उसमें हमारे क्या है, हमारे वेंस के पास में पैचेस बनने लग जाएंगे। हमारे क्या है, पैचेस बनने लग जाएंगे। अब देखिए ये पैचेस जब स्पेसिफिक टाइप के होंगे जिसके हम ट्रांसलुकेंट पैचेस बनते हैं, इसमें से क्या है, ये जो पैचेस होंगे वो नॉर्मल हमारे जो पैचेस बन रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि वाइट पैचेस बन जाएंगे, येलो पैचेस बन जाएंगे, उनसे थोड़े से अलग होंगे, ठीक है। इनमें क्या है, ग्रूमिंग होने लग जाएगी इन पैचेस से। क्या है, हमारी ग्रूमिंग होने लग जाएगी, ठीक है। इसे हम ट्रांसलुकेंट पैचेस बोलते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो एक्यूट डेफिशिएंसी की कंडीशन में, ठीक है। कंडीशन में क्या होगा, हमारी पूरी की पूरी पत्ती है उस पर क्लोरोसिस आ जाएगी और पत्ती मर जाएगी। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में देखिए हमें क्या करना होगा, 0.5 से 1 केजी तक, ठीक है, 0.5 से 1 केजी तक ट्रीटमेंट में हमें क्या है, 0.5 से 1 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है, 0.5 से 1 केजी पर हेक्टेयर सोडियम और अमोनियम मॉलिबडेट का क्या है, स्प्रे करना पड़ता है। हमें सोडियम अमोनियम मॉलिब्डेट का स्प्रे करना पड़ता है 0.5 से लेके 1 केजी तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसकी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है कॉपर, जिसे प्लांट क्या करते हैं, Cu2+ के रूप में अब्सॉर्ब करते हैं। अब देखिए इसकी भी क्या है, ये जो कॉपर है ये भी अगर हाई कंसेंट्रेशन में हो जाए या हम कहीं इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो ये भी टॉक्सिक बनाने लगता है।
तो अगर हम इसकी बात करें कि प्लांट बॉडी में इसकी मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 2 से लेकर 75 ppm पार्ट पर मिलियन, ठीक है। तो इसकी हाई कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, टॉक्सिक हो जाएगी, प्लांट में टॉक्सिक का फॉर्मेशन करने लगेगी इसकी हाई कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हम लेके चलें तो देखिए ये जो इसके आते हैं फंक्शन, तो सबसे पहली बात ये जो कॉपर होता है ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है CO2 को अब्सॉर्ब करने में, ठीक है, या फिर हम कहें कि फोटोसिंथेसिस में CO2 से कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में ये क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा हम बात करें तो ये जो कॉपर होता है ये क्या करता है, ETS साइकिल में हेल्प करता है और हमारे फियोफाइटिंग का एक मेन एलिमेंट होता है। हमारे क्या है, ETS पे हेल्प कर दी, मेन एलिमेंट हो गया फियोफाइटिन का। इसके अलावा ठीक है, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है CO2 अब्सॉर्प्शन हमारे फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 के मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा हम बात करें एक्टिवेशन करता है पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज और लैक्टेज एंजाइम के, ये क्या करता है, एक्टिवेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके फंक्शंस। नेक्स्ट इसकी आते हैं सिम्टम्स, या हम कहें इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो देखिए ये CO2 के अब्सॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, ये ETS में हेल्प कर रहा है, तो क्या होगा, फर्स्ट थिंग कि ये हमारे एनर्जी फॉर्मेशन में क्या है, जो हम ATP वगैरह बनाते हैं उसके फॉर्मेशन में कुछ दिक्कत आ जाएगी और CO2 का अब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जिससे फोटोसिंथेसिस में कुछ आ जाएगी प्रॉब्लम। इसके अलावा देखिए किसी भी चीज की कमी हो, सबसे पहले हम क्या है, हमारे पत्तियों में, मतलब सॉरी हमारे जो प्लांट्स है उसमें क्या होता है, लीफ पर क्लोरोसिस आती है, बाद में क्या होती है, पत्ती पूरी तरह ग्रीन हो जाती है, सॉरी येलो हो जाती है, और वो क्या है, झड़ के नीचे गिर जाती है। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी मिनरल की डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें तो उसमें आती है क्लोरोसिस, क्योंकि क्या होती है, क्लोरोसिस हो जाएगी और उसमें क्या है, हमारे जो पिगमेंट है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात इसमें क्या है, क्लोरोसिस आ जाएगी क्या होगी, हमारी जो लीफ है वो येलो हो जाएगी पूरी तरह से, ठीक है, क्लोरोसिस आ रही है लीफ में और क्या है, हमारी लीफ है येलो हो गई है। इसके बाद में हम बात करें तो लीफ में एक स्पेशल टाइप की होती है जिसमें क्या होता है, सिर्फ रूट जो हमारी लीफ है, सबसे पहले उसमें क्या है, टिप वाला जो पार्ट है ये हमारी पत्ती है, तो जो टिप वाला पार्ट है सबसे पहले क्या होती है, इसमें क्लोरोसिस आना शुरू हो जाती है। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप की डिजीज होती है जिसे हम बोलते हैं येलो टिप डिजीज।
क्या है, हमारे नेल की जो टिप पार्ट है सबसे पहले वो येलो होगी, देन क्या होगा हमारे उसके बाद जो हमारी वेन्स हैं वो येलो होने लग जाएंगी, और लास्ट में क्या होगा हमारी जो पूरी की पूरी लीफ है वो क्या है उसमें क्लोरोसिस आ जाएगी, पिगमेंट कम हो जाएंगे और हमारी लीफ क्या है वो डेड हो जाएगी। हमारी क्या है वेन्स हो गई है, इसकी हम बाद में हम बात करें तो हमारे जो पिगमेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे। हमारे जो लीफ की पिगमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है पिगमेंट डिक्रीज हो गए हैं। अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगी हमारी जब कॉपर की कमी होगी तो हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी बिल्कुल कम हो जाएगी, और क्या है हमारी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है वो क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन क्या होगा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ इंक्रीज होने के बावजूद जो हमारे फ्रूट्स है उनका फॉर्मेशन नहीं होगा, जो मेरिस्टेम पार्ट होता है जो स्टेम का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं वो जल जाते हैं वो मर जाते हैं, जिससे क्या है हमारा प्लांट स्टंट रह जाता है। ठीक है हमारे एप्पल और पाइनएप्पल में क्या हो रही है हमारी डाईबैक डिजीज हो रही है। तो ये तो बात हुए इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स के, नेक्स्ट हम लेके चले अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या हमें S2 आएगा इसको क्या होता है हमें मिक्स करना पड़ेगा हमारे सॉइल में, ठीक है तो ये हो गया हमारा कॉपर। नेक्स्ट इसके बाद हमारे देखिए तीन आते हैं जिसको हम बोल रहे हैं माइक्रो एलिमेंट्स की हमने बात की थी जिसमें हमने क्लोरीन सोडियम को इंक्लूड किया था। नेक्स्ट हम फटाफट को हमारे माइक्रो एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें हमने क्लोरीन को इंक्लूड किया था जिसे प्लांट क्या है Cl- माइनस के रूप में अब्सॉर्ब करते हैं। तो देखिए ये हमारा जो क्लोरीन है इसका मेन क्या काम होता है हमारा फंक्शन की बात करें तो हेल्प इन फोटोलाइसिस, ठीक है ये फोटोलाइसिस में हेल्प करता है। फोटोलाइसिस मतलब हमारी फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारी लाइफ की प्रेजेंस में H2O मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है वो क्या होता है हमारा फोटोलाइसिस होता है। नेक्स्ट अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये जो हमारा क्लोरीन होता है वो टबैको में हाई स्पीड से वाटर को अब्सॉर्ब करता है, ठीक है टबैको में हाई स्पीड से क्या है वाटर को अब्सॉर्ब करता है। नेक्स्ट आते हैं इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो सबसे पहली बात कि हमारी क्या होगी फोटोलाइसिस को ये हेल्प कर रहा है तो क्या होगा फोटोलाइसिस होगा उस पर क्या होगा
एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, तो हमारी जो फोटोसिंथेसिस या हम बात करें कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन है उस पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन की रेट है या हम कहें फोटोसिंथेसिस रेट ठीक है वो क्या होगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी और वाटर अब्जॉर्प्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है तो ये तो हो गए हमारे क्लोरीन के फंक्शंस और डेफिशिएंसी सिम्टम्स। इसके अलावा हम इसका एक और ले सकते हैं कि जो हमारी रूट टिप है वो थिक हो जाएगी, वो क्या होगी हमारी थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। ठीक है तो ये हुए हमारे क्लोरीन के। नेक्स्ट हमारा है सोडियम। तो देखिए सोडियम को प्लांट Na+ के रूप में अब्सॉर्ब करते हैं। अब ये जो हमारे माइक्रो एलिमेंट्स है इनके भी फंक्शंस है अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं है, तो इसका सिर्फ एक फंक्शन पता है कि ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ये PEP रीजनरेशन में हेल्प करता है। ठीक है ये क्या करता है PEP रीजनरेशन में हेल्प करता है, बस इसका एक ही काम पता है। नेक्स्ट हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो ये क्या होगा क्लोरोसिस, ठीक है और नेक्रोटिक। क्लोरोसिस और नेक्रोटिक क्या है इसके सिम्टम्स है डेफिशिएंसी सिम्टम्स। नेक्स्ट हम लेके चले तो आता है हमारा तीसरा माइक्रो एलिमेंट हमारा कोबाल्ट। ठीक है नेक्स्ट जो हमारा आता है कोबाल्ट आता है जिसको प्लांट क्या करते हैं CO-2 के रूप में अब्सॉर्ब करते हैं। अब देखिए अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है तो अब देखिए इसका डेफिशिएंसी सिम्टम्स की हम बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या है जो नाइट्रोजन कमी हो जाएगी प्लांट्स में तो जितने भी हमारे नाइट्रोजन लेक वाले जो डेफिशिएंसी के सिम्टम्स है वो सारे क्या होंगे प्लांट्स में अपेयर होंगे या हम कहें रिफ्लेक्ट होंगे। तो क्या है हमारे नाइट्रोजन लेक के या हम कहें डेफिशिएंसी के सिम्टम्स अपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ हमारा मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है वो ख़त्म होता है या फिर हम कहें यहाँ हमारी फर्स्ट यूनिट हो गई है कंप्लीट। कल से हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।